स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16 से। 16 क्वेश्चन में कहा है 12 डिफेक्टिव पेंस आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेंस, यानी कि 12 डिफेक्टिव पेन को एक्सीडेंटली मिक्स्ड कर दिया गया है 132 गुड पेन के साथ। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। ये बताना आसान नहीं है कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है और कौन सा गुड है। वन पेन इज टेकन आउट एट रेंडम फ्रॉम दिस लॉट, वन पेन को टेकन आउट किया जाता है रेंडमली। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। देखते हैं क्वेश्चन को। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू डिफेक्टिव पेन गिवन है 12, नंबर ऑफ गुड पेन्स इक्वल टू 132, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स ये हो जाएंगे 132 प्लस 12 इक्वल टू 144। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड पेन की, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुड पेन ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स गुड पेन के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 132 और टोटल आउटकम होंगे 144। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 26 जा 12, 26 जा 12, 27 जा 14 और 22 जा 4, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 33 टाइम और 2 से 23 जा 6, 26 जा 12, तो ये 3 से भी हो जाएगा, 3 से 11 टाइम और 3 से 12 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 11/12 डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, तो प्रोबेबिलिटी होगी 11/12। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स इक्वल टू 20, 4 डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वल टू 4, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब
इक्वल टू हो जाएगी फेवरेबल आउटकम, इसके लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 4 और टोटल आउटकम है 20, तो 4 बन जाए 4, 4 5 जाए 20, तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/5। सेकंड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन। तो जब वन बल्ब ड्रॉन हो चुका है तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वन बल्ब ड्रॉन होने के बाद 20-1 होगा यानी कि 19। इज नॉट डिफेक्टिव, जो बल्ब ड्रॉन किया गया है वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि डिफेक्टिव बल्ब 4 ही है। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गुड बल्ब की, तो यहाँ हम लेते हैं नंबर ऑफ गुड बल्ब इक्वल टू हो जाएंगे, ये 4 थे डिफेक्टिव बल्ब तो 16 हुए गुड बल्ब, वन बल्ब इसमें से ड्रॉन कर लिया गया तो 16-1 इक्वल टू 15 हो गए गुड बल्ब। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट ए गुड बल्ब इक्वल टू हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम होंगे गुड बल्ब के लिए 15 और टोटल आउटकम होंगे 19, और इसी को हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकन आउट नॉट ए डिफेक्टिव बल्ब, टेकन आउट नॉट ए डिफेक्टिव बल्ब। इक्वल टू 15/19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन। ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, टोटल नंबर ऑफ डिस्क इक्वल टू 90, नंबर्ड उनको किया गया है 1 to 90। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स ए 2-digit नंबर। तो यहाँ हम लेते नंबर ऑफ डिस्क ऑफ 2-digit नंबर इक्वल टू 90 में से 1-digit नंबर की अगर डिस्क को माइनस कर दें तो 1-digit की डिस्क होगी 1 to 9 यानी कि 9, तो ये हो जाएगी आपकी 81। अब आपको फाइंड करना है ए 2-digit नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क बियर 2-digit नंबर, 2-digit नंबर। तो फेवरेबल आउटकम होंगे 2-digit नंबर की डिस्क के लिए 81 और टोटल आउटकम है 90, तो 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो ये 9/10 प्रोबेबिलिटी हो गई डिस्क बियर 2-digit नंबर 9/10। नेक्स्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ हम लेते हैं ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नंबर बिटवीन 1 and 90 आर ये हो जाएंगे, फर्स्ट होगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 तो ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कितने होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 90 तो ये हो गए आपके 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, प्रोबेबिलिटी डिस्क बियर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 9 और टोटल आउटकम है 90 तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 1/10। और इसका थर्ड पार्ट भी है ये नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है नंबर डिविजिबल बाय 5 तो इसको रेज कर लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5 बिटवीन 1 and 90 तो ये हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल कह लें 5 डिजिट से डिविजिबल वाले या मल्टीपल, टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 1 and 90 तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो ये होगा 18। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिस्क बियर ए नंबर डिविजिबल बाय 5 तो फेवरेबल आउटकम होगा 18, टोटल आउटकम है 90 तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में दिया है हमें ए चाइल्ड एज डाई हूज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। लेटर हैं ए बी सी डी ई ए, बी सी डी ई और ए। द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए। तो
टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ होंगे, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे ए के लिए 2 और टोटल आउटकम होंगे 6 तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट में कहा है डी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो डी के लिए फेवरेबल आउटकम होंगे 1 और टोटल आउटकम है 6 तो डी के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसमें एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर एक सर्किल गिवन है, रेक्टेंगल की साइड दी है 3 मीटर और 2 मीटर, उस सर्किल का डायामीटर दिया है 1 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन सोन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल ऑफ डायामीटर 1 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा 3 × 2 मीटर स्क्वायर यानी कि 6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा 5 × r हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी कि 5/4 मीटर स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विद डायामीटर दिस, तो सर्किल में लैंड होने के लिए फेवरेबल आउटकम होगा 5 π/4 और टोटल आउटकम होगा जो टोटल एरिया है वो होगा 6। तो इसमें हम लेते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल डाई लैंड इनसाइड द सर्किल इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 5/4 और टोटल आउटकम है 6, तो ये हो जाएगा आपका 5/24, ये हो गई प्रोबेबिलिटी डाई लैंड इनसाइड द सर्किल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ए लॉट ऑफ consist of 144 ball pens of which 20 are defective and the other are good, the number of total ball pens, number of total total number of ball pens total number of बॉल पेंस ये हैं 144 ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, नंबर ऑफ डिफेक्टिव
बॉल पेंस इक्वल टू 20, तो नंबर ऑफ गुड बॉल पेंस ये हो जाएंगे 140 माइनस 20 मीन्स 120। ये थे टोटल नंबर ऑफ बॉल पेंस 144, तो ये हो जाएंगे 144 124। बट 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड, नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टिव, यानी गुड पेन को बाई करेगी। द शॉपकीपर ड्रा वन पेन एट रेंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई पेन, सी विल बाई पेन। तो सी विल बाई पेन से मतलब हुआ कि जब पेन गुड होगा तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए गुड पेन की, तो गुड पेन के लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 124 और टोटल आउटकम होगा 144। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 थ्री जा 12, 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12 और 4 सिक्स जा 24, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 31/36। सी विल बाई पेन से मतलब हुआ गुड पेन, प्रोबेबिलिटी हमें गुड पेन की फाइंड करनी है, तो 31/36 हुई। सेकंड है सी विल नॉट बाई ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल नॉट बाई ए पेन, तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव पेन की, तो डिफेक्टिव पेन के लिए फेवरेबल आउटकम होगा 20 और टोटल आउटकम है 144, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 फाइव जा 4 थ्री जा 12 4 सिक्स जा 5/36, ये प्रोबेबिलिटी हो गई सी विल नॉट बाई ए पेन। सी विल नॉट बाई ए पेन मीन्स प्रोबेबिलिटी गेटिंग डिफेक्टिव पेन। Note it.